हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोग के बीच काफी कुछ प्रैक्टिस सेट हो या आप लोग के एग्जाम्स रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हो, सारा कुछ हम इसी चैनल पे आप लोग के बीच लेके आते रहेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड। इससे पहले जो हम दो क्लास लिए थे, एक क्लास में हम आप लोग के बीच बताए थे सिलेबस के बारे में और दूसरे क्लास के बारे में हम आप लोग को प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल बताए थे। सिलेबस में हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग के एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले भी जो एग्जाम हुई थी पंचायती राज विभाग में, काफी सारे जो कॉन्टेंट थे 600 कुछ कॉन्टेंट थे इससे पहले पूरे बिहार में, तो वहां भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी अकॉर्डिंग हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लेके आए हैं, कंप्यूटर का कुछ सिलेबस भी लेके आए हैं और आप लोग को भी पढ़ना है। और हम आप लोग के लिए बताए थे कि क्लास भी हम आप लोग के लिए चालू करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, हम थोड़ा आगे चर्चा कर लेंगे इनके बारे में। लेकिन आज जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रैक्टिस सेट वन होने वाली है पे। तो देखते हैं आगे की ओर सिलेबस। और हाँ, अपने फ्रेंड को शेयर करना भूलिएगा नहीं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि हम आगे काफी कुछ आप लोग के बीच लेके आते रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस आगे हम काफी कुछ मेंशन किया और ये जो पीडीएफ है हम कहाँ पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे हम और भी कुछ शेयर करते रहेंगे, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे। इनके अलावा देख सकते हैं ये मेरा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, 24 आवर स्टडी सेंटर। और ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है और इस पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको सारा जो भी आपका आपके एग्जाम में टॉपिक है वो सारा टॉपिक आपका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज, जो कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ होने वाले, तब तक हम आपको टेस्ट सीरीज, आपका अगर मन करे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा भी टाइम है तो आप क्लास और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए केवल कुछ स्टूडेंट के लिए, जैसे कि हम अभी स्पेशल ऑफर चला है 500 ज्वाइन कर सकते हैं और जब तक एग्जाम नहीं तब तक हम आपके साथ हैं। बाकी कोई दिक्कत आ रही है तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये व्हाट्सएप पे ही आप कॉल मैसेज कर लीजिएगा, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले सिलेबस देखेंगे, फिर काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग एग्जाम में ना सिलेबस में मेंशन भी किया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा और बेसिक ऑफ कंप्यूटर में भी काफी सारा टॉपिक है भाई, तो आपको ये सब कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज आपको जानकारी होना चाहिए। आप एक अकाउंटेंट है, जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़े यहाँ पे तो कंपाइलर एंड असेंबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा देख सकते हैं विंडो एलिमेंट ऑफ विंडो एक्सपी हो, डेस्कटॉप एलिमेंट हो, इनके अलावा लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर हो, चेंजिंग सॉफ्टवेयर सेटिंग, फाइल मैनेजमेंट इन विंडो एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में आपको बेसिक क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का ही पार्ट है, इन सब के बारे में आपको ऐप पे सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएगा, इनका एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन काफी मिलेगा आपको। ऐसा एक भी टॉपिक हम स्किप करने वाले नहीं यहाँ पे और इस चैनल पे भी काफी कुछ लेके आते रहेंगे, बेसिक ऑफ विंडो प्रोसेसिंग हो, इनके अलावा फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो, मेल मर्ज के बारे में आपको बताना चाहिए, मॉडिफाई ऑफ वर्कशीट के बारे में, फॉर्मेटिंग एंड रो एंड कॉलम के बारे में, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्टेड विंडो सॉरी वर्कशीट के बारे में, फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट के बारे में और इंटरनेट के बारे में। इनके अलावा भी काफी सारा और भी टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है, जो कि गैस हम यहाँ भी कंप्लीट करेंगे। ऐप पे आपको सारे सिक्वेंस में सब कुछ आपको थ्योरी हो, एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन वन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन वन देखिए गैस पहला क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और पिछले बार भी जो एग्जाम हुआ था तो कुछ इसी रूप में क्वेश्चन पूछा भी गया था यहाँ पे। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है यहाँ पे, तो गैस माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है या इनमें से सभी है। अगर मैं इनका आंसर के बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, आप एक अकाउंटेंट हैं अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के जानकार है तो आपको इनपुट डिवाइस हम आगे बताएंगे भी आपको, डोंट बट तो असंयम रखिए, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों की तीनों ही गैस एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। ऑनलाइन तरीका से आपका एग्जाम होने वाली है, ऑनलाइन तरीका से हम आप लोग को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराने वाले यहाँ पे। थोड़ा सा हम इनपुट डिवाइस को देखते हैं यहाँ पे, तो टेक्निकल टीम इनपुट डिवाइस को दिखाया जाए यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं गैस ये है कुछ इनपुट डिवाइस है जो कि आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। माउस है, OCR है, कीबोर्ड है यहाँ पे, स्कैनर है, ट्रैक बोल है, इनके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं MIRC है, टच पैड है और टच पैनल है यहाँ पे, जॉयस्टिक है, बार कोड रीडर है। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि काम क्या करता है, जानकारी नहीं भी है फिर भी चलने वाला है क्योंकि आपको एग्जाम में बस इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन टू यहाँ पे देखें, क्वेश्चन टू भी काफी अच्छा है यहाँ पे, एंड क्वेश्चन टू है माउस और ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्न में से उदाहरण है, किसका उदाहरण, पॉइंटिंग डिवाइस का, मतलब ये जो ट्रैक बॉल है या जॉयस्टिक है
वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है या पेन इनपुट डिवाइस है या डाटा कलेक्शन डिवाइसेस है या मल्टीमीडिया डिवाइसेस है। आपको हाली का इसका आंसर गैस पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पॉइंटिंग डिवाइस और कौन कौन सा होता है, तो हम आपको आगे ये चीज बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन आपको हम ट्रैक बॉल दिखा देते हैं, जॉयस्टिक दिखाते हैं जो कि अभी हम आपको दिखाए भी थे, और फिर हम आपको दिखा देते हैं कि जॉयस्टिक किसको बोलते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुछ जॉयस्टिक और यहाँ पे देख सकते हैं गैस ट्रैक बॉल देख सकते हैं। ये दोनों का काम गैस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं। थोड़ा सा पॉइंटिंग डिवाइस देख लेते हैं कि और कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यहाँ पे टेक्निकल टीम पॉइंटिंग डिवाइस थोड़ा सा दिखाई जाए यहाँ पे, तो देख सकते हैं काफी सारा पॉइंटिंग डिवाइस है यहाँ पे। सो ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, यहाँ पे जॉय स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन और लाइट पेन, और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है जिससे हम यहाँ पे टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है और इन सब से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में ये दे दिया गया टच पैड क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको ऑप्शन होगा टिक मार लीजिएगा यहाँ पे और अलॉट ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, और ऐप डाउनलोड करना आप लोग भूलिएगा नहीं, फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा ताकि हम आगे भी काफी कुछ आप लोग के बीच लेके आते रहे। क्वेश्चन थ्री देखिए, माउस एक अच्छा विकल्प है, टच पैड डॉट डॉट उदाहरण है यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर डिवाइस है या प्रिंटिंग डिवाइस है या पॉइंटिंग डिवाइस है या टैप रेडी डिवाइस है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन सी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। नाउ थोड़ा क्वेश्चन आगे किया जाए, क्वेश्चन है गाइस फोर क्वेश्चन है, BASDOCHTM किसका उदाहरण है यहाँ पे, तो एक्सटेंशन का उदाहरण है यहाँ पे, या आगे देखें प्रोटोकॉल का उदाहरण है, डाटाबेस का उदाहरण है या डोमेन का उदाहरण है। अगर मैं इनके आंसर की बात करने वालों तो एक्सटेंशन का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मैंने काफी कुछ यहाँ पे सेट किया हूँ एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस फाइल नेम है, एप्लीकेशन नेम है और एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं DOC है यहाँ पे, PPTX है, TXT है यहाँ पे, BPM है, MDB है यहाँ पे, एप्लीकेशन में नेम, ये सब एग्जांपल है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत कि इसको फाइल नेम के अंतर्गत रखा गया, एप्लीकेशन नेम के अंतर्गत, एक्सटेंशन के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब जैसे कि फाइल नेम MS Word है, MS Excel है, पावर पॉइंट है, इनके अलावा MS Point है यहाँ पे, तो ये सब चीज आपको फाइल नेम में एप्लीकेशन नेम में जानकारी होना चाहिए, एप्लीकेशन नेम ही तो है। इनके अलावा टेक्स्ट देख सकते हैं एंड वर्कशीट देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये सब एक फाइल नेम हो गया। डाटाबेस देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंड HTML है, यानी कि HTML को आप लोग एक्सटेंशन में अगर पूछे तो एक्सटेंशन टिक ला के मत ले आइएगा, फाइल नेम को टिक ला के आइएगा। एंड फाइव क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो ब्लिंकिंग है सिंबल को क्या कहते हैं यहाँ पे, माउस कहते हैं, हेड कहते हैं, कर्सर कहते हैं या लोगो कहते हैं। जब कंप्यूटर का आप स्क्रीन पे आप देखोगे, ये मान लीजिए सपोजेड कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है और यहाँ पे कर्सर ही तो यहाँ पे देखते हो ब्लिंकिंग करता रहता है यहाँ पे, तो कर्सर का है, ऑप्शन सी में है, तो सी को आप लोग टिक ला के चले। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जब हमें कंटेंट के अलग सर होंगे तो उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, आगे भी आपको यही काम आने वाला है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, एंड सिक्स नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये कुछ कर्सर है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखा रहता है। एंड सिक्स क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब OMR का फुल नाम कुछ है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है या ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग है, ये ऑप्शन बी नहीं होगा यहाँ पे, नहीं गैस ऑप्टिकल मून राइट नहीं हो जाएगा, ऑप्टिकल मी भी नहीं हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी भी नहीं हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ए को आप लोग टिक लगा के चले जाएगा, फुल फॉर्म है क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एंड सात क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम, मुख्य सिस्टम मतलब मेन बोर्ड। अच्छा कंप्यूटर आप लोगे ना, तो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा कॉस्ट का दाम सबसे महंगा चीज होता है, पार्ट होता है, वो मेन पार्ट ही होता है, मेन जो मुख्य सिस्टम होता है वो मदरबोर्ड को कहते हैं, सबसे महंगा मदरबोर्ड ही होता है, तो ऑप्शन ए को टिक ला के चले जाएगा, प्रोसेसर हो, मैक्रोचिप हो, इनमें से कोई नहीं रहेगा, मदरबोर्ड बहुत ही महंगा आता है और कंप्यूटर का मेन पार्ट बोला जाता है, और मदरबोर्ड के अंदर ही एक चिप लगा होता है जिनको हम CPU या ब्रेन आप बोल सकते हैं, जो कि कंप्यूटर का एक मेन काम करता है, क्योंकि पूरा फॉर्मेट को हम CPU बोलते हैं, उसके अंदर जो चिप होता है उनको हम ब्रेन कहते हैं। आगे हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ए को टिक ला के चले जाएगा। थोड़ा मदरबोर्ड को हम देख लेते हैं, किस पर मदरबोर्ड दिखता है यहाँ पे, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मदरबोर्ड है और सबसे कॉस्टली आता है यहाँ पे। अच्छा ये कॉस्ट कितना आता है, मैंने एक 30,000 का लैपटॉप खरीद के लाया था मार्केट से, और ये 30,000 के लैपटॉप में क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था,
तो वो जब टेक्निकल टीम आए थे तो मैंने पूछा कि इतना मदरबोर्ड का इसका मैंने पूछा ये इसका दाम क्या पड़ता है, तो उन्होंने बताया ये सर मदरबोर्ड है और उसका दाम लगभग बताया था 20,000 के अप्रोक्स रेट पड़ता है, मतलब 10,000 का ही अदर पार्ट होगा लेकिन सबसे कॉस्टली इनका मदरबोर्ड ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, और बेसिक है आई थिंक ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से करके भी चले आएंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 देखें यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मास्टिक होता है, अभी हम आपको बताए थे ना कि मदरबोर्ड में एक चिप होता है जो मास्टिक का काम करता है, तो सर्किट बोर्ड होता है क्या? जी सर्किट बोर्ड नहीं होता है, ऑप्शन आप ए को काट देंगे यहाँ पे। तो मेमोरी होता है क्या? जी नहीं, मेमोरी भी होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड भी होता है, सीपीयू होता है। बी को आप लोग टिक लगा के चलेगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि सीपीयू सिस्टम के अंदर एक मदरबोर्ड फिट होता है, मेन कंप्यूटर का पार्ट आप बोल सकते हैं, और उसी में एक चिप लगा होता है जिनको आप ब्रेन बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड सो थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेन है। क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। तो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटिंग डिवाइस आधारित है यहाँ पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या बोथ ऑफ एवर या SQL है। तो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर देगा। थोड़ा सा अगर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएं कि पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर किस रूप में होता है, कैसा दिखता है, तो हम आपको दिखाएं, ऑलमोस्ट आप देखे भी होंगे। सो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये सब गाइस पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, क्रोमबुक हो गया, ये सब 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। बस जानकारी होना चाहिए, पूछ लिया जाते हैं। आगे भी काफी कुछ हम कंप्यूटर से क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आप लोग के बीच हमेशा लेके आते ही रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप लोग जानते ही होंगे, अभी हम बताएंगे कि सिलेबस में कंप्यूटर का ही पार्ट है यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर का ही सिलेबस के अंतर्गत रखा गया। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चिप क्या एक तरीका से कारण हार्डवेयर नहीं है, तो प्रोसेसिंग चिप एक तरीका से हार्डवेयर है। अब जिनको आप टच कर दिए एक तरीका से हार्डवेयर, जिनको आप टच नहीं किए वो सॉफ्टवेयर हो गया यहाँ पे। तो प्रोसेसिंग चिप एक हार्डवेयर हो गया यहाँ पे, प्रिंटर आप टच कर सकते हैं हार्डवेयर हो गया यहाँ पे, माउस एक हार्डवेयर हो गया, इन सबको तो हम टच करते ही हैं, हार्डवेयर का ही तो काम करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जावा, जावा क्या एक सॉफ्टवेयर हो गया है ना, आप लोग कंप्यूटर खरीदते हो तो डाउनलोड करते हो ना जावा को, तो ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर हो गया। तो डी को आप लोग टिक लगा के चले जाएगा। थोड़ा सा हम और मतलब एग्जाम्पल के रूप में दिखा देते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत किसको किसको रखा गया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ गैस हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर है, इनको हम दो पार्ट में कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गैस हार्डवेयर है, इन सबको हम टच कर सकते हैं यहाँ पे, कीबोर्ड माउस प्रिंटर मदरबोर्ड ये सब एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में गैस यहाँ पे पावर पॉइंट क्रोम हो, एक्स एमएस वर्ड हो गया, मेल हो गया, जावा देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफी सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो गैस हार्डवेयर और सॉरी इसको सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया और इसको हार्डवेयर के अंतर्गत रखा गया यहाँ पे। तो भले ही हम क्वेश्चन 10 लेके आए थे लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन लेके आए थे गैस, आगे भी काफी कुछ क्वेश्चन लेके आते रहेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे आपको काफी कुछ मिलेगा, जैसे कि हम आप लोगों को बताते हैं कुछ ही स्टूडेंट के लिए हम आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें मॉक टेस्ट और एग्जाम तक आपके साथ होने वाले। ये ऐप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया गैस, और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।